हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास नाइन्थ में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1-4 को हमने लास्ट वीडियो में फिनिश किया था। ये सारे वीडियोस हमें कहाँ मिलेंगे बच्चों? कमेंट सेक्शन में। पेंड कमेंट है। पेंड कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है ना, उसको पेंड कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पर क्लिक करिए, वहाँ रीड मोड लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। पूरा सिलेबस वहाँ पे ओपन होके आएगा क्लास नाइन्थ का। क्लास नाइन्थ और टेंथ का बहुत ही क्वालिटी कॉन्टेंट आपको यहाँ पर बच्चों मिल जाएगा इस चैनल पर, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। साथ में एक और खास बात है इस चैनल के बारे में, यहाँ पर आपको मिलेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होती है? सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ एक और बुक लगा के रखी है आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशंस आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है, जाके पिन कमेंट चेक करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी हैं। अब कुछ बच्चों को चैप्टर्स नहीं मिलते, सर कहाँ से पढ़ें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहाँ है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो कौन से नंबर पे? 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, यहाँ से लिंक आपको सेंड कर देंगे अगर आपको लिंक नहीं मिलता। वैसे तो प्रिंट कमेंट सब कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी। तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है और पुराने बच्चों को पता है चीज़ें कैसे यहाँ पर चल रही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। अब सिलेंड्रिकल पिलर आप लोगों ने देखे, सिलेंड्रिकल पिलर कैसे होते हैं बताइए? कई मंदिर वगैरह आप गए होंगे तो पिलर खड़े रहते हैं ऐसे, ये देखिए, और इस पर ऐसी छत टिकी रहती है, ये इस पर, ठीक है, इसी पे सपोर्ट देते हैं ऐसा, तो ये पिलर्स लगे रहते हैं। तो एक सिलेंड्रिकल पिलर की बच्चों बात करिए। अच्छा एक बात बताओ, ये सिलेंड्रिकल पिलर जब होगा तो यहाँ तो ऐसी छत है और नीचे क्या होगा? बेस होगा। तो बताओ पेंट कहाँ करोगे? कर्व सरफेस एरिया पे, टॉप पे। यहाँ घुस के थोड़ी ना पेंट कर दोगे यहाँ पर, और ना तो नीचे फर्श तोड़ के ऐसा चले जाओगे इस पर पेंट कर दोगे। यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? कर्व सरफेस एरिया लेना है। अगर ये पेंट करने की कुछ बात करेंगे जो कि इन्होंने करी हुई है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर कितना है इसका? बना लेते हैं एक फिगर यहाँ पर, देखिए ये सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, रेडियस को हमने आर से दिखाया और हाइट को हमने एच से दिखाया, ठीक है ना। डायमीटर कितना है बोलिए फटाफट? डायमीटर आपका 50 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो बच्चों रेडियस क्या होता है? सभी को पता है, डायमीटर का हाफ कर दो, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2, ये तो सबको पता है ना। अरे डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, है ना। तो 2 वन जार 2, और ये कितने टाइम्स गया? 25 टाइम्स। तो रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट? 25 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। कह रहा है एंड 3.5 मीटर हाइट। तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 3.5 मीटर्स। क्या कुछ प्रॉब्लम आपको लग रही है? हाँ, यूनिट की प्रॉब्लम लग रही है। हाइट किस में दी है? मीटर्स में। तो रेडियस को भी आइए मीटर में चेंज कर लेते हैं। क्यों कर लें सर रेडियस को मीटर में चेंज? क्योंकि जब कर्व सरफेस एरिया निकालोगे 2πRh, तो आंसर आपको मीटर स्क्वायर में लाना है। क्यों लाना है सर मीटर स्क्वायर में? क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए जरा, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर का मतलब समझते हो ना आप लोग? 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? ₹12.50। याद है हमने आपको 1 मीटर स्क्वायर फील कराया था, क्या बोला था? 1 मीटर का क्या, 1 मीटर का क्या ले लो आप? लेंथ, और 1 मीटर की ही आप ब्रेथ ले लो, तो स्क्वायर बन के आ जाएगा 1 मीटर का। तो सोचो ये 1 मीटर लगभग इतना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना 1 मीटर, तो इतना लंबा और इतना ही चौड़ा, तो ये एक स्क्वायर का जो एरिया होगा इसी को क्या बोलते हैं? 1 मीटर स्क्वायर। तो इतने पोर्शन में जो पेंट कराने का खर्च है वो कितना है? ₹12.50, ठीक है। तो आप अपना कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए, किसमें? मीटर स्क्वायर में। जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको इससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, सिंपल, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर, ठीक है। तो सॉल्यूशन में फटाफट करते हैं, देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर का 2πRh, कैसे निकाला? पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो याद करिए पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या होता है? 2πR। बेस कैसा है? सर्कुलर है ना, तो 2πR, चेक करो ना इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2πR इंटू एच, तो क्या आ जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2πRh। आइए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। तो 2 इंटू, देखिए जब तक पाई की वैल्यू ना दे रहे तो क्या लेते हैं? 22.7 लेते हैं, याद है आप लोगों को, ठीक है। चलो एक काम और कर लेते हैं, लगे हाथ बच्चों यहाँ पर, रेडियस को किस में चेंज कर लेते हैं हम लोग? मीटर में। तो सेंटीमीटर में है ना रेडियस, अभी सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हो? 100 से डिवाइड करते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 किया, तो ये सेंटीमीटर की जगह क्या लिख देंगे अब हम लोग? मीटर। बच्चों 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 0.25, इतना तो सभी को पता होगा। तो रेडियस आ गया कितना? 0.25 क्या? मीटर्स, ठीक है। तो 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू जब तक नहीं दिया जाता है, जब देगा अगर 3.14 बोलेगा तो हम पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे, अदरवाइज क्या लेंगे? 22.7। तो पाई की जगह हमने क्या लिया? 22.7 इंटू, रेडियस कितना बोली? 0.25 क्या? मीटर से, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इंटू हाइट। हाइट कितनी बच्चों? 3.5 क्या? मीटर्स। तो चेक करो,
टू और 22.7 यानी कि टू और पाई का तो कोई यूनिट नहीं है, आर का यूनिट क्या है मीटर और एच का यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, नाउ सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों सेवन और ये कैंसिल होगा, अतः करना कैसे करेंगे, देखो सेवन वन जा सेवन और सेवन फाइव का क्या होता है 35, लेकिन पीछे से वन डिजिट के पहले पॉइंट लगाए तो यहाँ पे भी हमने पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया 0.5। ठीक है, अब 2 इंटू 22 कितना होता है बोलिए 44 इंटू, थोड़ा ध्यान दें 0.25 इंटू वॉट 0.5 और साथ में क्या है मीटर स्क्वायर इसको, या फिर आप सबसे लास्ट में मीटर स्क्वायर लिख लेना ना, इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, उसके बाद जो आंसर आएगा 44 से कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ देखिए जरा 0.25 ठीक इंटू, वैसे तो आप लोग बच्चों सीधे सीधे भी कर सकते हो क्योंकि 5 इंटू 25 कितना होता है 125, इतना तो सबको पता है। तो देखिए जरा 44 को ऐसे ही लिखा और ध्यान दें 5 इंटू 25 कितना हो जाएगा 125, लेकिन ध्यान दें पीछे से यहाँ पे वन डिजिट पे पॉइंट लगा है और यहाँ टू डिजिट पे, टोटल कितना हो गया 3 डिजिट, तो पीछे से 1, 2, 3 डिजिट यहाँ पॉइंट लग जाएगा, नहीं समझे, वन के पहले, तो कितना आ जाएगा 0.125। अब 0.125 को 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो करते हैं यहाँ पर 0.125 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 44 से, करते हैं देखते हैं क्या होता है 4 5 20, 2 जाएगा 4 2 8 + 2 10, 1 जाएगा 4 1 4 + 1 5, 0 से करने की कोई ज़रूरत नहीं है वो हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, करना हो तो कर दो लो 4 0 0, फिर इंटू लगाया, अब ध्यान से चेक करो नेक्स्ट नंबर भी क्या है 4, तो सेम डिजिट आ जाएंगी 0 0 5 और 0 0 प्लस मतलब 0 0, यहाँ पे भी 0 5, 5 + 0 5 0, पीछे से 1 2 3 डिजिट पे 1 2 3 डिजिट पे, तो आगे तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है 5.500 यानी कि 5.5। तो ये कितना आ गया आपका 5. ध्यान चेक करिए 5.500 क्या मीटर स्क्वायर। अब ये पॉइंट के बाद जब डिजिट है और डिजिट के बाद अगर आखिरी में चाहे जितने भी जीरो लगा दो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको क्या लिखोगे 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया बताइए, पिलर का एरिया कितना आ गया कर सरफेस एरिया 5.5 मीटर स्क्वायर। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ये जो टोटल एरिया होगा, ठीक है 1 मीटर स्क्वायर कितना बताया हमने आपको लगभग इतना एरिया, ठीक इसका 5 गुना कर दो लगभग, चेक करो ना 5.5 गुना है 5.5, तो इमेजिन कर सकते हो इसका 5 गुना बड़ा एरिया होगा। ठीक है, ओके चलो अब यहाँ पर बच्चों हम लोग इसको पेंट करने की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है ना, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हमने आपको बताया क्या 1 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट कराने का खर्च कितना है 12.50 और हमारा एरिया कितना है 5.5 मीटर स्क्वायर, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इस चीज़ को मैं आपको फील कराता हूँ, देखो कैसे फील कराता हूँ, टोटल कॉस्ट जब भी आपको निकालनी हो पेंटिंग वगैरह की टोटल कॉस्ट, तो क्या होता है ध्यान से चेक करो, ये होता है आपका टोटल एरिया, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स टोटल एरिया जो भी आपने कैलकुलेट किया ना टोटल एरिया इंटू व्हाट कॉस्ट ऑफ व्हाट कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर या पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया मीटर में ना, या कॉस्ट ऑफ आप ऐसे बोल सकते हो 1 यूनिट एरिया, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट एरिया भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, टोटल एरिया कितना है यूनिट के साथ लिखिएगा, मैं आपको कुछ फील कराना चाहता हूँ, टोटल एरिया कितना बताओ 5.5 क्या मीटर स्क्वायर इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट एरिया, कितनी कॉस्ट थी ₹12.50 क्या पर मीटर स्क्वायर लिखा था, हम भी यही लिख देते हैं, देखिए जरा क्या लिखा हमने ₹12.50 पर का क्या मतलब होता है डिवाइड करना, चेक करो ₹12.50 पर का मतलब क्या होता है डिवाइड करना है, तो इसको क्या पढ़ोगे दिखी नहीं रहा है कैमरे में, इसको देखो जरा इसको क्या पढ़ोगे ₹12.50, ये जो हमने ऐसा डिवाइड का साइन लगा दिया ये इसका मतलब क्या होता है ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखो मीटर स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो हम क्या मान लेंगे 1, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है ₹12.50, कोई डाउट है, बहरहाल अभी हम 1 नहीं लिख रहे, मीटर स्क्वायर का आगे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, तभी तो हम इसको क्या पढ़ते हैं ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का ये खर्च है। अब हमने जानबूझ के आपको यूनिट दिखाई है यहाँ पर, क्यों ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, यूनिट क्या बची ओनली रुपीस, कोई डाउट है, तो रुपीस में ही तो आएगा कॉस्ट और किस में आएगा, ठीक है तो ये देखिए तो रुपीस, अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए किसको 5.5 को 12.50 से, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो 12.50 इंटू वॉट इंटू 5.5, ठीक है 5 0 0 5 5 25, 2 जाएगा 5 2 10 + 2 12, 1 जाएगा 5 1 5 + 1 6, फिर इंटू लगाएंगे 5 0 0 सेम नंबर आएगा, चेक करो 0 5 2 6 यहाँ आएगा 0
5 + 0 = 5, 5 + 2 = 7, 6 + 2 = 8 और यहाँ पे 6 पीछे से ध्यान चेक करिए, 1 digit 2 3 तो 1 2 3 कितना आ गया ₹68.750, तो ₹68.750। अब जीरो का कोई मतलब होता नहीं है, लास्ट में अगर अकेला जीरो लिखाओ डेसिमल के बाद तो उसको हम ना भी लिखें तो चलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर इज ₹68.75। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब तक तो याद हो गया होगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2πRh। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्यूशन में आपको एक चीज गिवन है, क्या गिवन है ध्यान से चेक करो, आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कितना गिवन है बोलिए फटाफट, 4.4 मीटर स्क्वायर, यही है कर्व सरफेस एरिया, ठीक। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दिस इंप्लाइज कर्व सरफेस एरिया के नीचे हम क्या रखते हैं उसका फॉर्मूला, कोई दिक्कत है बताइए। अरे भाई कर्व सरफेस एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला रख दो, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का बोलिए, 2πRh, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत कर दी मैंने बताइए, कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भाई, ये क्या है 4.4 मीटर स्क्वायर, क्या है कर्व सरफेस एरिया, तो इसके सामने इसका फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला ही कौन सी वैल्यू देता है कर्व सरफेस एरिया, तो ये रही उसकी वैल्यू, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है। अब आप बिना क्वेश्चन पढ़े समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने अननोन्स हैं, 2 अननोन्स हैं, मतलब जिसको निकाला जा सकता है। देखो 2 तो क्या एक फिक्स नंबर है, पाई भी क्या होता है फिक्स नंबर है, पाई की वैल्यू जब तक बोलेगा नहीं तो हम 22.7 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब या तो रेडियस पूछा होगा और हाइट दी होगी, और या तो रेडियस दी होगी और हाइट पूछी होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है एक इक्वेशन से केवल एक ही अननोन निकल सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में रेडियस दिया है या हाइट दिया हुआ है, देखते हैं, पढ़िए। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट, 0.7 मीटर, तो रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितना गिवन है बोलिए फटाफट, 0.7 मीटर, तो आपको क्या निकालना है हाइट। बच्चों एक बात बताओ, रेडियस उन्होंने दी है मीटर्स में, एरिया दिया है मीटर स्क्वायर में, तो हाइट की यूनिट क्या आएगी मीटर्स में, कोई डाउट है बताओ। अब ये चीज मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले क्या करिए, आप लोग क्या करते हो, आप यहाँ वैल्यू रख देते हो सारी, मतलब रेडियस की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, नहीं वैल्यू मत रखो, सबसे पहले आप जो भी अननोन है ना आपका, उसका उसको आप फ्री कर लो, मतलब समझो ना, बात समझो, देखो अननोन कौन है h, तो बस h को लेफ्ट में रखो और बाकी सबको कहाँ भेज दोगे राइट में, तो 4.4, अब देखो ये 2πR कहाँ आ जाएगा नीचे इसके, नहीं समझ में आई बात, वैल्यू रखने से पहले ये काम हमेशा कर लिया करिए भाई, 2πR h के साथ मल्टीप्लाई में ही तो है, चेक करो ना, ये 2πR इंटू h है ना, तो 2πR मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं तो मैं उनको बता दूँ, ध्यान से चेक करिए, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2πRh इज इक्वल्स टू कितना था बोलिए, 4.4, तो डिवाइडिंग बाय 2πR बोथ साइड आप 2πR से डिवाइड लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई, मैथ्स में हमें क्या सिखाया गया, अगर कोई इक्वालिटी लिखी हो, ये इक्वेशन लिखी हो, तो सेम क्वांटिटी से अगर हम बोथ साइड डिवाइड लगा दें तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या चूज किया, हमने 2πR से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 2πR से राइट में डिवाइड लगाया, इससे क्या फायदा है चेक करो, 2πR से 2πR कैंसिल हो जाएगा, एच इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.4 अपॉन 2πR, यही आया। अब बच्चे बोलते सर 2πR से क्यों डिवाइड लगाया, अरे भाई मैंने अपने मन में सोचा ना कि मुझे एच को क्या करना है फ्री, तो एच के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई है उसी से तो बोथ साइड डिवाइड लगाओगे, एच के साथ किसका मल्टीप्लाई है 2πR का, इसलिए हमने बोथ साइड 2πR से मल्टीप्लाई, सॉरी बोथ साइड 2πR से क्या किया डिवाइड कर दिया। अब इसी बात को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि भाई 2πR एच के साथ मल्टीप्लाई में था इसलिए उधर गया तो क्या हो गया डिवाइड, आनी वही चीज़ है, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, ये 4.4 का यूनिट क्या था बताइए, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखना शुरू करिए तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 4.4 अपॉन में 2 इंटू क्या है पाई, पाई का वैल्यू जब तक बोला नहीं जाए तब तक क्या लेना है 22.7, तो पाई की जगह हमने क्या लिया 22/7 इंटू आर, आर कितना है बोलिए 0.7। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या 2 की कोई यूनिट है नहीं, क्या 22.7 की कोई यूनिट है नहीं, अरे पाई तो पाई है उसकी कोई यूनिट नहीं, लेकिन 0.7 क्या है मीटर रेडियस है ये, और एरिया की यूनिट क्या लिखी हुई थी पहले से यहाँ मीटर स्क्वायर, कोई डाउट है बताइए, मीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा मीटर इंटू मीटर। अब ध्यान चेक करो, एक मीटर से एक मीटर कट गया कि नहीं कट गया, क्या बचा
मीटर बचा है, इसलिए हाइट किस में आएगी, मीटर में आएगी। कोई डाउट है बताइए। तो ये सब बेसिक्स आप लोग को क्लियर होने चाहिए। वैसे तो अब मोटी मोटी बात करें तो मोटी मोटी बात ये है कि एरिया अगर आपको किस में दे रखा है, मीटर स्क्वायर में, और रेडियस या हाइट में से कोई भी एक चीज़ दी होगी, अगर वो मीटर में दी है तो जो दूसरी चीज़ होगी वो ऑटोमेटिकली किस में आएगी, मीटर में। मतलब इन दोनों में से एक डायमेंशन दिया है, या तो रेडियस दिया होगा हाइट पूछेगा, या तो हाइट दिया है रेडियस पूछेगा। जो भी गिवन है अगर वो मीटर में गिवन है तो जो दूसरा डायमेंशन होगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। हमने आपको करके दिखा दिया किस तरीके से आता है। तो आज के बाद याद रखिएगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपका एरिया मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और रेडियस सेंटीमीटर में दी है, तो रेडियस को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले मीटर में। अगर आपने गलती से एरिया को मीटर स्क्वायर में रखा ऊपर और रेडियस को सेंटीमीटर में रख दिया और ऐसे काट दिया, आंसर आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है, ओके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये देखिए, ये जो सेवन है, या तो इसको ऊपर भेज दो या तो इस सेवन को इस सेवन के साथ कट कर दो, जो करना है कर लो। अगर ये सेवन ऊपर भी भेजोगे तब भी तो काट देगा, यहीं पर काट देते हैं। तो सेवन, और ध्यान चेक करिए, सेवन बन जा क्या होता है सेवन, लेकिन ये क्या था, जीरो पॉइंट सेवन था, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गया, जीरो पॉइंट वन आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करो, फोर पॉइंट फोर बचा, और नीचे क्या बचा, टू इंटू ट्वेंटी टू, बोलिए कितना होता है, फोर्टी फोर। ध्यान से चेक करिए बच्चों, टू इंटू ट्वेंटी टू कितना होता है, फोर्टी फोर। तो ये हो गया 44 इंटू, ध्यान दें, 0.1, 0.1, ठीक। और क्या बचा यहाँ, मीटर। अब 4.4 और डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.1 कितना होगा, 4.4 नहीं आता, बहुत सिंपल है। तो 44 इंटू 0.1 करिए कितना आएगा, सिंपल सा फंडा है। देखो 44 को 1 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई, कितना आएगा 44, फिर पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाए, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 4.4 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4.4 क्या, मीटर। अब बच्चों 4.4 से 4.4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्या आएगा, जीरो नहीं, वन आएगा। अरे जैसे 4/4 वन होता है, वैसे 4.4/4.4 क्या होगा, वन। तो आंसर आपका क्या आ गया, वन मीटर। तो हाइट क्या होगी बताइए हमारी, वन मीटर, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, ठीक है ना। कोई सर्कुलर वेल है, ठीक है ना, सर्कुलर वेल कैसा होगा बताइए, ये देखिए। अब इसको सिलेंडर मान लो तुम, थोड़ा सा ये अंदर ऐसा कर्व है, बट इसको सिलेंडर मान लो तुम, ठीक है ना। तो यही सर्कुलर वेल होगा, यही बोला ना, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल। सर्कुलर वेल मतलब समझिए जरा बात को, वेल है मतलब कुआं है, तो गहरा तो हो गई। सर्कुलर मतलब जब टॉप से देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा, ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा, सर्कुलर, चेक कर लो, ठीक। अब एक बार बताओ, इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब इनर डायमीटर का मतलब आप लोग समझिए, इसके क्रॉस सेक्शन को हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये इस तरीके से होगा कुछ, ठीक। क्रॉस सेक्शन हमने आपको बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता है, लौकी जो होती है, सब्जी काटते हो आप, लौकी ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे काट दीजिए। जब ऐसे करके काटोगे तो ये जो दिखाई पड़ता है ना सरफेस एरिया, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखाएं, ये, तो या फिर हम ये बोल दें कि आप कुएं को ऐसा टॉप से जाके देख रहे हो, तो आपको यही दिखाई पड़ेगा। अब इनर डायमीटर का क्या मतलब है, ये चीज देखिए, ये इनर डायमीटर है इसका, ठीक है। अब इनर आउटर की बात वो क्यों कर रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों कुएं टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, पता नहीं आप सोच सकते हो कि नहीं, क्लास टेंथ में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। सोचो, देखिए कुछ ऐसा अगर हो जाए तो, ये देखिए, ये इनर डायमीटर हो गया और ये आउटर, एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था। तो ये चीज सर क्या है, ये क्या है, ये बच्चों मान लीजिए कि अजीब सी बात आपको लगेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने सुना है कभी कि कुआं कैसे बनाएगा, बताओ, अंदर से मिट्टी निकालेंगे और उस मिट्टी से एम्बैकमेंट कर देंगे, मतलब उसी मिट्टी को कुएं के किनारे किनारे ऐसे जब हमने उठा के लगा दिया, सोच सकते हो आपकी नहीं, बताओ, जब मिट्टी को उसको एम्बैकमेंट ऐसे कर देंगे ऐसा, ठीक है ना, तो मिट्टी आपको सरफेस से उठी हुई ऐसे दिखाई पड़ेगी। तो वहाँ पर अगर हम आपको बोलें कि कहाँ पर मिट्टी है और कुएं वाला पोर्शन कहाँ है, तो आप बोलोगे देखो ये वाला तो कुएं वाला पोर्शन है अंदर वाला, और ये मिट्टी, ठीक है। तो आपको अब आप टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। तो यहाँ दो तरीके के डायमीटर की बात करेंगे, एक इनर डायमीटर और एक आउटर। ये रहा इनर डायमीटर, ये सेंटर है, और ये रहा आउटर डायमीटर। इसलिए उन्होंने किसकी बात करी अभी, इनर डायमीटर की, क्योंकि देखो बच्चों अगर कुएं के अंदर आप मान लो जा रहे हो, ठीक है ना, तो कुएं के अंदर जाओ, मान लो आप कुएं के अंदर उतर गए, सीढ़ी लगा के, कुआं सूखा हुआ है, ठीक है, आप अंदर उतर गए, तो
तो अंदर जब आप उतर के ऐसे देख रहे हो तो आपको सर्कुलर शेप ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो आप मान लो उसके सेंटर पे खड़े हो तो दोनों हाथों को ऐसे करो, तो यहां जो वॉल पे आप हाथ लगा पाओगे और यहां जो वॉल पे हाथ लगा पाओगे, समझे। तो यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करें और आप कहां खड़े हो, सेंटर से, तो वो लाइन कहां से आएगी, सेंटर से लेके दूसरी वाली सामने वाली दीवार को ऐसे टच करेगी, तो वही क्या है इसका डायमीटर। इनर डायमीटर की बात कर रहा है, इनर डायमीटर की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर हम आपको बोले भाई कुएं में उतर जाओ पेंट कर दो, कहां पेंट करोगे बताओ, उसके कर सरफेस एरिया पे। हम बोलते हैं प्लास्टर कर दो जाके कुएं में, उतर जाओ अंदर प्लास्टर कर दो, तो कहां करोगे उसके कर्व पे। तो जब कुएं के अंदर उतर के प्लास्टर करोगे तो कौन सा डायमीटर का जरूरत होगा, इनर डायमीटर, क्योंकि इनर डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो इनर रेडियस आएगा, क्योंकि कौन से सरफेस एरिया पे प्लास्टर कर रहे हो, अंदर जाकर कर रहे हो, इनर वाले कर्व पे कर रहे हो ना, तो इनर रेडियस ही तो काम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, इनर डायमीटर। तो 2πRH लगाकर जब हम कर सरफेस एरिया निकालेंगे तो वहां पर रेडियस कौन सा रखेंगे, इनर वाला। इनर वाला ही दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, आउटर वाला दिया ही नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी आउटर वाले वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे क्लास 10th में, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बहरहाल इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। कह रहा है इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज वॉट, 3.5 मीटर। बच्चों डायमीटर गिवेन है, आप रेडियस निकाल सकते हो, क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर डायमीटर है आपका कितना बोलिए, 3.5 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 डिवाइडेड बाय 2, क्या मीटर्स, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं कहता हूँ अभी छोड़ दो ऐसे, क्या परेशान होना उसमें, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया बस, छोड़ दो ना उसको, अभी जब वैल्यू रखेंगे तो वहीं पर हैंडल कर लेंगे सब कुछ, ठीक है ना। कह रहा है इट इज़ 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप का मतलब क्या दिया हुआ है, ये कुएं की गहराई मतलब हाइट दी हुई है सिलेंडर की, भाई कुआं सिलेंड्रिकल शेप का ही तो है, तो देखिए यहां से यहां तक की ये लेंथ दी हुई है आपको, कितना है हाइट, हाँ सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, ठीक है ना। तो h इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 मीटर, सही है। ये आ गया पार्ट वन, इट्स इनर सीएस से मतलब कर सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, सर्कुलर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πR × h, तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो पार्ट वन का सॉल्यूशन करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इज गिवन बाय, इनर है, इनर कर्व सरफेस एरिया गिवन बाय 2πRH, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2 × देखो पाई की कोई वैल्यू नहीं दी, जब तक कोई वैल्यू नहीं देगा हम क्या रखेंगे, 22.7, तो पाई की जगह आपने क्या रखना है, 22.7 × r। आर की वैल्यू क्या रखोगे बताइए, 3.5 डिवाइडेड बाय 2, ध्यान दीजिएगा, आर की जगह क्या रखेंगे, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। और एक और बात बताना चाहता हूँ, रेडियस किस में आपका, मीटर में, हाइट किस में, मीटर में, तो एरिया किस में आएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, इंटू हाइट, हाइट कितना बोलो 10, और जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में मिलेगा, ये आपको कन्फर्म है, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, अब देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 2, अब ये 2 10 को तो काट देगा ना, या ये 2 22 को काट देगा, या ये वाला 2 इस 2 को काट देगा, तो इजी हो गया कि नहीं, वरना आप वहाँ परेशान रहते, 3.5 को पहले डिवाइड करना पड़ता आपको 2 से, वही एक लेंथी प्रोसेस हो जाता, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ एक काम करते हैं, देखिए 2 से 2 ये वाला कैंसिल कर दिया, ठीक। अगर आपको हटाना है तो ये वाला पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दीजिए, इससे क्या फ़ायदा है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 22 × 35, है ना, 22 × 35 डिवाइडेड बाय 7, और आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, अब 5 × 22 कितना आ जाएगा, 110, तो 110 मीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड एरिया। कोई डाउट है, पार्ट टू देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 per meter square, इसका मतलब क्या है, 1 meter square में प्लास्टर कराने का खर्च कितना है, ₹40, तो इतने मीटर स्क्वायर है इसका कर सरफेस एरिया, तो इतने मीटर स्क्वायर में प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए पार्ट टू में अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट, देखिए बार बार मैं आपको यूनिट रख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बात समझिए, ये क्या लिखा हुआ है, ₹40 per meter square, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ₹40 per का मतलब डिवाइड कर दो, ₹40 per meter square, इसका मतलब है 1 meter square में कराने का खर्च कितना है, ₹40, भाई 1 meter square एरिया याद है ना आप लोग को, 1 meter का स्क्वायर सोच लो, 1 meter इतना होता है लगभग, ठीक, 100 centimeter, 100 centimeter ही तो 1 meter होता है, 1 meter का लेंथ लो, 1 meter का ब्रेथ लो, तो 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1 meter square। अब मीनिंग समझ में आया, 1 meter square जब एरिया में प्लास्टर कर दिया जाता है तो उसका खर्च कितना होता है, ₹40 का खर्चा आता है उसमें, हमें कितने में करना है, 110, यानी कि ये जो एरिया दिखा रहे हैं इसका लगभग कितना है, 100
10 टाइम्स, सोचो कितना बड़ा एरिया होगा, तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। करते हैं, क्या करेंगे, रुपीज़ 40 पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉट, 1 मीटर स्क्वायर में कराने का खर्च इंटू टोटल मीटर स्क्वायर, यहाँ पे टोटल मीटर स्क्वायर जितने भी है कितने, यानी कि टोटल एरिया। ऐसा हमने यूनिट इसलिए लिखा बिकॉज मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और रुपीज़ यहाँ पर बचेगा आपका। कोई डाउट है बताइए, और जो टोटल कॉस्ट है वो रुपीज़ में ही तो आता है। ठीक, तो सॉल्व कर लीजिए कैसे होगा, देखो 4 इंटू 11 करोगे तो क्या आएगा, 44 और 10 और ये 20, तो 4400, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आ रहा है, रुपीज़ 4400। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, देखिए बच्चों कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कह रहा फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। सुनो यहां पर बस क्वेश्चन को आपको समझना है, करना है इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जरा, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, देखिए कोई हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है मतलब गीजर वगैरह है, कुछ आप बाजार से खरीद के लाते हो गीजर वगैरह, तो आपने देखा होगा। ठीक, अब देखो बच्चों ये कोई गीजर है, ठीक है, और इसमें ना कोई पाइप गया हुआ है, अंदर है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, अंदर कोई पाइप गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से ये पाइप गया हुआ है, देखो बात समझो ना, ठीक है। अब इस पाइप में से ऐसा पानी होके अंदर से बाहर निकलेगा, तो पाइप में से जब पानी निकलेगा तो सोचो अगर पाइप गर्म होगा, पाइप अगर मेटल का होगा ना, पाइप मेटल का होगा, ऐसे समझो। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं बहुत इजी तरीका आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सुनो मेटल का पाइप है, गीजर के अंदर होगा, उस पाइप से पानी होके आ रहा है, ऐसा कुछ सिस्टम लगा हुआ है। तो बच्चों एक बात बताओ, जब पाइप मेटल का है, पाइप कैसा है, मेटल का है, और पाइप के अंदर से पानी ऐसा आ रहा है, तो सोचो अगर मेटल गर्म हो जाए, अगर मेटल गर्म हो जाए तो पानी को भी गर्म कर देगा वो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते होंगे कि एक मेटेलिक पाइप के अंदर से पानी हम बाहर निकालते होंगे और वो मेटेलिक पाइप लगातार गर्म होती रही होगी। कैसे गर्म होती रहती है, क्लास टेंथ में आप पढ़ोगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हो वो हीट एनर्जी में चेंज जाती है। अब सुनो बच्चों ध्यान से चेक करिए, इन्होंने एक शब्द का यूज़ किया, कह रहे फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। टोटल रेडिएटिंग सरफेस का मतलब देखो बच्चों, हीट एनर्जी को ये पाइप क्या करती है, रेडिएट कर रही है, रेडिएट कर रही है, ठीक है ना। रेडिएट कैसे करेगी, रेडिएशन समझते हो ना, कैसे निकलते हैं, वेव्स के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो इस पाइप में से रेडिएशन निकल रहा है लगातार, तो बताओ रेडिएशन कहाँ से निकल रहा होगा, इसके कर्व सरफेस एरिया से। अरे भाई रेडिएशन कहाँ से निकल रहा होगा, इसके कर्व सरफेस एरिया से, क्योंकि मेटल के जो एटम हैं, मेटल के जो एटम है वही तो रेडिएशन निकाल रहे होंगे, और एटम कहाँ आ रहा है, तो जवाब है एटम इसके कर्व सरफेस एरिया पे तो लगे, बाकी तो पाइप अंदर से खोखला है, होलो है, वहां से तो पानी होके जाता है, और पानी लगातार पाइप की दीवारों के कांटेक्ट में आता है, और दीवारों में पाइप की जो वॉल है, अरे भाई अंदर समझ ना, ये होलो पाइप जो है अंदर, ऐसी यहां से पाइप जाएगा, यहां से पानी ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जो होलो पाइप है अंदर, जो खोखली पाइप है, वहां से पानी ऐसे जा रहा है, तो पानी जब जा रहा है तो सोचो ना, अंदर वाला जो कर्व सरफेस एरिया है उससे पाइप, उससे पानी लगातार कॉन्टेक्ट में जा रहा है, और अंदर वाले सरफेस एरिया में मेटल का वो एरिया है, मेटल का बना हुआ है, तो मेटल के जो एटम है वो लगातार हीट रेडिएट कर रहे हैं, वही हीट तो किसको मिलती है, वाटर को, तो वाटर गर्म होकर निकलता है हीट लेके उससे, तो रेडिएटिंग एरिया कौन सा होगा जो हीट रेडिएट कर रहा है, तो जवाब है जो पाइप है, जिस पाइप में से पानी आ रहा होगा उस पाइप का क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, बस सिंपल है, ठीक है, बात समझ में। तो करना कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन को बच्चों घुमा दिया गया, तो यहां देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, किसका, पाइप का, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सिलेंड्रिकल पाइप, फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, 2πRH, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप होगा वही क्या होगा, रेडिएटिंग सरफेस होगा, जो कि हीट रेडिएट कर रहा होगा ना, तो रेडिएटिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप बोलिए या रेडिएटिंग सरफेस बोलिए, बात क्या है, सेम, तो 2πRH, ठीक है, 2 इंटू पाई का वैल्यू जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा क्या रखेंगे, 22.7 इंटू रेडियस, चेक करिए रेडियस कितना दे रखा है, नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर को हाफ कर दो तो क्या आ जाएगा, रेडियस, तो डायमीटर कितना दिया बोलिए फटाफट, 5 सेंटीमीटर, तो बच्चों डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, 5/2, तो क्या आ जाएगा, रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/2 क्या, सेंटीमीटर, तो 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5, इतना तो सबको पता होगा, 5 को 2 से डिवाइड करो 2.5 ही तो आएगा, ठीक, क्या, सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेंथ पाइप की दे रखी है किसमें, मीटर है, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, तो लेंथ इसकी कितनी है, 28 मीटर्स, ठीक,
वैसे तो एक गीजर नहीं है, 28 मीटर तो बहुत लंबा होता है, ये किसी इंडस्ट्री वगैरह फैक्ट्री वगैरह में लगा हुआ बहुत बड़ा सा वाटर बॉयलर वगैरह ऐसा कुछ होगा, पानी को गर्म करने वाला सिस्टम होगा, ठीक है ना। छोड़ो ना, इधर देखो जरा, तो रेडियस सेंटीमीटर में हमको किस में निकालना होगा, मीटर में। कैसे पता चला? क्योंकि इन्होंने पाइप की जो लेंथ है वो किस में दे रखी है, मीटर में। और पाइप की जो लेंथ है वही क्या होगी, सिलेंडर की हाइट होगी, ठीक है। तो एच की वैल्यू तो पता है हम लोग को, कितनी बताइए, 28 मीटर्स, ठीक है। रेडियस बच्चों आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए किस में, मीटर्स में। तो 2.5 क्या है अभी, सेंटीमीटर, 100 से जैसे ही डिवाइड लगा दोगे किस में आ जाएगा, मीटर में। नहीं समझ में आई बात भाई, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से डिवाइड लगा के। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा बताइए आंसर। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, देखिए 2.5 लिखा, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो ध्यान चेक करना जरा, यहाँ हमने एक जीरो लगाया, ठीक, एक और जीरो लगाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए बच्चों, नीचे अभी 100 है, तो ये पॉइंट कितने प्लेस लेफ्ट में जाएगा, 2 प्लेस। तो आंसर क्या आएगा, देखो ये पॉइंट उछल के यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 ऐसे ही लिख देंगे, फिर क्या लगाएंगे, 0.025। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब जिसको डाउट है वो ऐसे कर ले लीजिए, जिसको डाउट है ना ऐसे कर लो। चलो, तो 2.5/100 है, यहाँ से पहले पॉइंट हटा दो, कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। अब तो कर सकते हो, कितना आ गया, 25/1000, ठीक। कोई डाउट है इसमें? अब आप लोग समझदार हैं, चेक करो, अगर हम 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ अपने मन से पहले 0 बढ़ा लेंगे, ठीक, 0.123 डिजिट पहले आएगा, यानी कि 0.25 के पहले यहाँ पॉइंट लगाना है और यहाँ 0 लगाएंगे, तो 0.025 क्या, मीटर। तो ये रेडियस आ गई, कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो यहाँ वैल्यू रखिए, रेडियस की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ, 0.025 इंटू हाइट कितनी है, 28, और एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेडियस का यूनिट मीटर और हाइट का भी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है, देखो 7 × 7 = 28, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 2 × 22 कितना हो जाएगा, 44। अब ध्यान दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, किसको, 4 को 0.025 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो एक बात बताऊँ, सुनो, आप एक काम करो, 25 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से, 25 × 4 कितना होता है, 100, तो 100 पहले लिख लिया। अब चेक करो, यहाँ पीछे से 1, 2, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाए, तो पीछे से 1, 2, 3 डिजिट के पहले अगर हम पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान चेक करिए, 0.100 आ जाएगा। अब 44 × ध्यान दें बच्चों, 0.1 के बाद चाहे जितने जीरो लगे हों, डेसिमल के बाद जब कोई डिजिट आती है उसके बाद चाहे जितने जीरो लगे उनका कोई मतलब नहीं, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 0.1, ये दोनों जीरो हटा सकते हैं, ठीक। अब देखो 44 × 0.1 कितना हो जाएगा, 4.4। अरे चेक करो ना, 44 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, आएगा तो 44, फिर पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाए, तो पीछे से हम भी एक डिजिट यहाँ से छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। कोई डाउट है बताइए? तो आंसर कितना आया, 4.4 मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम इज 4.4 मीटर स्क्वायर, कर लीजिए।